जम्मू कश्मीर में गर्मी का मौसम है, गर्मी तो काफी ज्यादा है, वहीं सियासी गर्मी अब सर चढ़कर बोल रही है। जम्मू के ओल्ड सिटी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो एक समय भाजपा का गढ़ माना जा रहा है और माना जाता था, वहां पर महबूबा मुफ्ती अपना रोड शो करती नजर आ रही है। देखिए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो है आपको अभी तस्वीरों में नजर आ रही है, लगातार लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रही है। एडवोकेट आदित्य गुप्ता जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार, उनके समर्थन में महबूबा मुफ्ती जम्मू की ओल्ड सिटी में आई है और यहाँ से कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल की असल में शुरुआत अगर माने पीडीपी की मानी जाती है। प्रमुख चेहरा है और प्रमुख चेहरे के तौर पर एक बूस्टर डोज तब मिलता है जब आपके पार्टी की प्रेसिडेंट आपके समर्थन में उतरती है और उसे गढ़ में उतरती है जो बीजेपी का गढ़ है। देखिए ये तस्वीर दिखाती हूँ, जहाँ जहाँ से ये रैली गुजर रही है वहाँ वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही झंडे या कांग्रेस के झंडे नजर आएंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती का मौजूदगी होना कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है वो बदलने के लिए काफी है कि किस प्रकार लोग जो है काफी ज्यादा उत्साहित है उन्हें देखकर। विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आज जो है महबूबा मुफ्ती पहुंची और आज जम्मू की ओल्ड सिटी में पहुंचते हुए कहीं ना कहीं अभिवादन जो है लोगों का स्वीकार कर रही है और ये पहली मर्तबा है कि इस तरह का मेगा रोड शो जम्मू में देखने को मिल रहा है। अमूमन हम कश्मीर में ऐसी तस्वीरें देखते हैं, लेकिन फिलहाल महबूबा मुफ्ती जो है अपने कैंडिडेट एडवोकेट आदित्य गुप्ता के समर्थन में यहाँ पर जुटी और देखिए एक मुस्कान है चेहरे पर, क्योंकि उम्मीद यही से बन जाती है जब आपकी पार्टी की प्रेसिडेंट जो है वो आपके समर्थन में आती है। हालांकि लोग ये कह रहे थे कि क्या सच में पीडीपी का वर्चस्व यहाँ पर कुछ बना हुआ है या नहीं, लेकिन महबूबा मुफ्ती यहाँ पर जब दिख रहे हैं तो वो वर्चस्व सामने दिख रहा है। यहाँ से कुछ बदलाव जो है वो महबूबा मुफ्ती ला सकती है, वोटों में जो तब्दीली है वो ला सकती है और क्या वोट शेयर में बढ़ोतरी जो है वो महबूबा मुफ्ती जो है वो कर सकती है या नहीं कर सकती है, बहुत से सवाल है। लेकिन बीजेपी का गढ़ है युद्धवीर सिंह की यहाँ से ताल्लुक उम्मीद है मुफ्ती जब पहुंची कुछ ना कुछ तो सही होगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपको क्या लगता है नहीं बना पाएंगे? ये जो रोड शो के बाद कुछ बदलेगा क्या लगता? बिल्कुल बदलेगा, जैसे ये रोड शो हो रहा है ना वैसे हमारा हिंदुस्तान भी बदलेगा और मोदी को हम बता देंगे कि एकता कैसी होती है। साफ तौर पर बदलाव की लहर यहाँ से आएगी, इस तरह की आवाज जो है वो बुलंद जो है वो की जा रही है, हुजूम जो है यहाँ पर उमड़ पड़ा है जो महबूबा मुफ्ती चाहते हैं। और बड़ी बात यह है ओल्ड सिटी का चयन क्यों किया गया, यहाँ पर दरबार मूव को लेकर काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, इसे ओल्ड सिटी का चयन किया गया ताकि स्थानीय दुकानदारों को ये समझाया जा सके कि विजन क्या है पीडीपी के पास। सर एक सवाल है, क्या लगता है ये ओल्ड सिटी से जो चुनावी बिगुल बजा है जीत आपकी होगी? हर आदमी ये लड़ता है जीतने के लिए ही लड़ता है और आज हम इतनी बड़ी रैली निकाल रहे हैं, आप देखो कितने लोग यहाँ आए हुए हैं, ये तो दिखाई दे रहा है कि ये हम जीतेंगे। तो डेमोक्रेसी में ऐसी है जहाँ जनता जनार्दन जिसको वोट देगी वो जीतेगा। चुनावी तंत्र भी माने कि दरबार मूव से इसी बाजार को नुकसान हुआ तो इसी को चुना गया। बात यह है कि लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, विपक्षी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो संकेत मूव जो बंद कर दिया गया है, ये एक बड़ी परंपरा महाराजा हरि सिंह के टाइम की ये परंपरा चल रही थी, इसको रोकना नहीं चाहिए था। व्यापारियों को बहुत बड़ा बड़ा लॉस हुआ है, कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए ये हम हमारा पार्टी का कहना है। रैली है बूस्टर डोज माने कि यहाँ से थोड़ी वोट शेयर में बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल जरूर बढ़ोतरी होगी, जितनी लोग हमारे साथ चल रहे हैं लोग
देखिए साफ तौर पर बदलाव की लहर है और दरबार मूव अगर बंद हुआ है तो इस बाजार को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, ये पीडीपी का कहना है। लेकिन फिलहाल महबूबा मुफ्ती आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, हालांकि तबीयत खराब है इनकी, ये भी हम बता दें, लेकिन फिर भी अपने एक उम्मीदवार के लिए लगातार जो है प्रचार में जुटी हुई नजर आ रही है। चुनावी मुद्दे अपनी जगह, लेकिन जब एक पार्टी की प्रेसिडेंट आपके सामने आ जाती है तो कहीं ना कहीं उम्मीदवार की उम्मीदें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वो यही कहता है कि देखिए ये भाजपा के कैंडिडेट हैं और इन्हीं से मुकाबला जो है इस समय आदित्य गुप्ता का होने वाला है। और पुष्प वर्षा भी यहाँ पर की गई है, भव्य स्वागत है, अभिवादन स्वीकार कर रही है हर एक व्यक्ति का और चेहरे पर मुस्कान है, हालांकि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए महबूबा मुफ्ती जो है वो आगे बढ़ रही है। मैम महबूबा जी काफी बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है और जैसे ही उनको ये जानकारी मिलती है कि स्वयं यहाँ पर पधार रही है और कमान संभाल रही है इस चुनाव का और इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो ये जो रैली का रूट है, ये परेड ओल्ड सिटी से निकलते हुए ये रैली रघुनाथ बाजार की ओर जाएंगी और ये वो बाजार है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है जहाँ पर पर्यटकों का भाजपा के गुंडों के हाथ नहीं लगा। अच्छा बोल रहे, देखिए स्थानीय जो लोग हैं वो अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और चुनरी जो है वो पहनाते हो यहाँ पर बताते हुए महबूबा जी देखिए साफ तौर पर ये वो संख्या है समर्थकों की जो काफी लंबा इंतजार किया 2 घंटे का, उसके बाद अब जो है वो सामने आई है। और देखिए वो लोग हुए आदित्य गुप्ता। देखिए अब एक ही प्रश्न के साथ हम समाप्त करेंगे, आपको क्या लगता है ये जो चुनावी रैली है वो वोटों में तब्दील होगी या महज इनको देखने के लिए ही ये हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है, क्योंकि 1 अक्टूबर को चुनाव है और 1 अक्टूबर को चुनाव के साथ साथ नतीजे जो है 8 तारीख को है और नतीजों का दिन यही बताएगा कि ये जो रैली है क्या ये वोटों में तब्दील वो कर पाई है, क्या उसमें बढ़ोतरी हो पाई है या महज उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए थे।